अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बीकानेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वोट नहीं डाल पा रहे, ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई। अब समझिए कि खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं डाल पा रहे वोट, उसकी वजह ईवीएम में खराबी है। जो पोलिंग बूथ उनका है वहां पर ईवीएम में खराबी आई। हालांकि बहुत पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके हैं, इससे पहले मंदिर गए थे, फिर मतदान केंद्र पहुंचे, बातचीत भी उन्होंने खासतौर पर की, लेकिन जब वोट कास्ट करने की बारी आई तो वो वोट नहीं डाल पाए। अब तक अब इंतजार किया जा रहा है कि ईवीएम में जो खराबी आई है या तो उसे ठीक किया जाए या फिर ईवीएम को रिप्लेस किया जाए, बदला जाए, ताकि लोग मत का प्रयोग कर सके। संवाददाता लक्ष्मण राघव बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं, ईवीएम में खराबी, कब तक ठीक होगा? करीब 30 मिनट तक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी बातचीत की है। यहाँ ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई जिसके चलते ये परेशानी हुई है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कई मतदान केंद्रों पर इस तरह की शिकायतें मिल रही है और बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनें खराब हुई है या टेक्निकली दिक्कत हुई है। इसका एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि वीवीपैट जो लागू किया गया है उस तकनीकी के चलते कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को इंतजार है अपना वोट कास्ट करने का। अभी भी वो अपने मतदान केंद्र पर मौजूद है और बात कर रहे हैं लगातार कि ईवीएम को ठीक किया जाए या दूसरी ईवीएम लाई जाए। बिल्कुल लक्ष्मण, आपने कहा कि आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी यहाँ पर, और क्या कहना है वहाँ पर मौजूद अधिकारियों का, कब तक ठीक होगा, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है या फिर रिप्लेस ही होगा? दोनों ही चीजों पर काम किया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद जो मतदान दल के कर्मी हैं उन्होंने कोशिश की है एक बार की, तो साथ ही साथ जो रिजर्व ईवीएम रहती है उसके लिए भी कहा गया है। चलिए, यानी कोशिशें जारी है। शुक्रिया लक्ष्मण। हालांकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आधे घंटे से खुद मंत्री जी भी इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम ठीक हो। दोनों ही पहलुओं पर काम किया जा रहा है, ईवीएम ठीक हो जाए तो भी मतदान शुरू हो जाएगा, और अगर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो ईवीएम रिप्लेस करने की भी कवायद यहाँ पर जारी है।